हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो क्लास सिक्स का जो साइंस का जो चैप्टर 11 है हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेटा ये जो है आपका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट में हमने जो देखा था आपका कि सोल्यूशन में मैंने बताया था कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन देख लिया। आपको जो ऊपर में आई बटन है वहां पर आपको मिल जाएगा उसका लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और ये जो सेकंड पार्ट है बेटा, वहां पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपके आंसर ब्रीफ वाले जो क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपके जो आंसर डिटेल एंड आपके जो हॉट्स वाले जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए बेटा, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द इन्वायरमेंट्स, आप इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा एवरीथिंग विच सराउंड्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास जो भी चीजें उनको घेरा हुआ है, उसके आसपास जो भी चीजें हैं उसे हम इन्वायरमेंट के रूप में कहते हैं। इसमें शामिल किया जाता है इट इंक्लूड आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ, जो भी उनकी ग्रोथ के लिए जो इफेक्ट करता है, डेवलपमेंट के लिए जो इफेक्ट करता है, या फिर जो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसके सर्वाइवल के लिए, उसको जीवित रहने के लिए जो चीजें अफेक्ट करता है उसे हम इन्वायरमेंट में शामिल करते हैं, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो अबायोटिक हो। देन जो सेकंड आता है आपका, व्हाट आर द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है ना, अबायोटिक इन्वायरमेंट इज मेड ऑफ सॉइल वाटर एयर लाइट्स एज वेल एज क्लाइमेटिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर रेनफॉल्स ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था बेटा कि जो अबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, मतलब जिसमें जीव नहीं होता है, और जो हमारे आसपास आपको सराउंडिंग जो भी नजर आता है सो उसे हम सभी को अबायोटिक जो इन्वायरमेंट है उसमें हम इंक्लूड करते हैं। उसके एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देख लिया। देन जो थर्ड आता है आपका, वाई आर प्लांट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ क्यों कहा जाता है? तो हमें पता है कि वो जो है अपना भोजन खुद प्रोड्यूस करते हैं। सो प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस कारण से उसको हम ऑटोट्रॉफ्स के रूप में जानते हैं। देन व्हाट आर द हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है? सो लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड हैव टू डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफ्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म्स है वो क्या करता है भाई कि वो अपना भोजन नहीं बनाता है, वो जो ऑटोट्रॉफ्स में जो प्लांट्स है उस पर डिपेंड होता है, तो उसे हम हेटरोट्रॉफ्स के रूप में जानते हैं। जहां पर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पर, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड आइडिया डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली। जितने भी जो एनिमल्स है चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड हो, वो प्लांट पर डिपेंड होते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। तो इसमें डिकम्पोजर आएगा, ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी हमारे जो बैक्टीरिया या फिर फंगी है वो क्या काम करता है, जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज कर देता है ना। तो इसमें हम बैक्टीरिया और जो फंगी है या फिर डिकम्पोजर है वो भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट आएगा बेटा, व्हाट इज द हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है? सो द एरिया या फिर जो इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इन इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट्स। मतलब जो वो जो कोई भी जो एरिया है या फिर कोई जो ऐसा जो इन्वायरमेंट जहां पर ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं सो उसे हम हैबिटेट के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट सेवन नंबर का आता है, नेम द टू टाइप्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स, जो एक्वेटिक जो हैबिटेट्स है उसका आपको नोट डाउन करने थे। द टू काइंड ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स आर द मरीन एंड द फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। मतलब जो भाई एक्वेटिक जो जल में जो रहने जो वहां का जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में, तो मरीन और आपके जो फ्रेश वाटर जो हैबिटेट्स है जिसमें आप पॉन्ड्स या फिर आपके जो रिवर्स है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ ग्रासलैंड्स हैबिटेट्स, ग्रासलैंड हैबिटेट्स है उसका स्पेशल फीचर्स क्या देखने को मिलता है? सो अ ग्रासलैंड हैबिटेट हैज टॉल ग्रासेस विद अ फ्यू ट्रीज। जो ग्रासलैंड है वहां पर क्या दिखाई देता है, तो ऊंचे ऊंचे घास होते हैं और कहीं कहीं पर दो चार ऐसे जो है आपको बहुत ही फ्यू बहुत ही कुछ जो ट्रीज है वो देखने को मिलता है। देयर इज नो प्लेस फॉर एनिमल्स टू हाइड, वहां पर एनिमल्स को छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती है क्योंकि जो घास होते हैं तो घास में जो है दूसरे जो एनिमल्स है एक दूसरे को देख पाते हैं। देन व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स क्या होता है? सो हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट्स विच लिव इन अ वाटर, जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं उसे हम हाइड्रोफाइट्स के रूप में जानते हैं। दिस प्लांट्स कैन आइदर बी सबमर्ज इन वाटर हाइड्रिला जैसे या फिर फ्लोटिंग लोटस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। सो ऐसे जो प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं या तो फिर वो वाटर के ऊपर में रहेंगे या फिर वाटर के
अंदर में रहेंगे, तो वाटर के सब मर्ज में, वाटर के अंडर में जो हाइड्रिला होता है वो, इसके एग्जांपल अगर नोट नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, लोटस जो कमल का जो फूल आपने देखा, कमल का जो प्लांट्स है, तो वो जो है प्लोटस के ऊपर तैरते रहता है। सो ये आपके नाइन्थ के आंसर हो बेटा। देन नेक्स्ट, हाउ डू एयर ब्लैडर्स हेल्प फिश, जो एयर ब्लैडर्स है वो फिश को कैसे हेल्प करता है। सो एयर ब्लैडर्स हेल्प द फिश टू फ्लोट इन द वाटर, जो एयर ब्लैडर्स है वो क्या हेल्प करता है कि जो उनको फिश को वाटर में तैरने के लिए हेल्प करता है, कि उसके जो गिल्स होते हैं वहां से जो हवा है वो पास होते, आपके जो वाटर है वो पास होते जाता है, सो उसको तैरने में हेल्प कर देता है। देन नेक्स्ट आता है, हाउ डू सम डेजर्ट टोड्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हीट्स, जो डेजर्ट में रहने वाले कुछ जो जो टोड्स है, कुछ जो एनिमल्स हैं, वो अपने आप को हीट से, गर्मी से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर सम डेजर्ट टोड्स सेल्स देमसेल्फ इन अ ब्यूरो एंड स्लीप फॉर 8 to 9 months अंटिल अ हैवी रेन अकुर। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, कुछ जो डेजर्ट जो टोड्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को एक बिल में छिपा लेते हैं, और जब तक हैवी रेनफॉल्स नहीं होता है तब तक वो 8 to 9 months है, 8 to 9 months है, वो उसी बिल में छिपे रहते हैं। सो या 11th, देन हाउ आर द स्पॉट्स ऑफ जगुआर यूजफुल, जगुआर जो है उसका जो यूजफुल स्पॉट जो होते हैं वो किस लिए यूजफुल होता है, तो जगुआर्स हैव स्पॉट्स ऑन देयर बॉडीज, जगुआर्स में क्या होता है स्पॉट होता है, दिस मेक इट हार्ड फॉर देयर प्रे टू सी देम एमंग द स्पैकल्ड शेडोज ऑफ द रेन फॉरेस्ट, मतलब ऐसे होता है कि भाई रेन फॉरेस्ट में जहां पर आपके जो घास वगैरह होते हैं तो उसके जो स्पॉटेड है वो वहां पर जो प्लांट है उसके साथ मिक्स हो जाता है, तो जो शिकार है उसको, शिकारी को पकड़ने में उसको हेल्प करने में मदद करता है। सो ये आपके बेटा आंसर इन ब्रीफ वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट आपको आंसर इन डिटेल, इसके जो आंसर लॉन्ग में मिलेंगे, पूछ में तो बेटा 1-2 पेज का आपको आंसर मिलेगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग टू उसको सॉर्ट कर दीजिए, मैं कंप्लीट आपको आंसर बता दिया हूँ। सो गिव एग्जांपल टू सो हाउ द टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल अफेक्ट एनिमल्स एंड अ प्लांट इन अ हैबिटेट्स, यहाँ पर टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ वाटर है वो किसी भी एनिमल या फिर प्लांट जो जगह पर रहते हैं तो उसका इफेक्ट बताना है। सो यहाँ पर इन डेजर्ट हैबिटेट्स वेयर द टेम्परेचर इज हाई एंड द रेनफॉल लो, प्लांट्स एंड एनिमल एडॉप्टेड टू सूट द क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब भाई डेजर्ट हैबिटेट्स के बारे में बताया गया, तो वहां पर हाई टेम्परेचर होता है और रेनफॉल लो होता है, मतलब गर्मी ज्यादा होती है और बारिश बहुत कम होती है, तो वहां पर जो रहने वाले जो एनिमल्स है उनको क्या करना पड़ता है, मैनी जो प्लांट्स है, सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करते हैं, सो मैनी प्लांट्स ऐसे द कैक्टाई हैव फ्रेशी स्टेम्स टू स्टोर फूड्स एंड वाटर, मीन्स वो जो है अपने आपके जो फूड्स या फिर वाटर है उसको वो स्टोर करके रखता है। देन मोर डेजर्ट प्लांट हैव वेरी लॉन्ग रूट्स टू पेंट्रेट डीप इन टू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, मतलब जो प्लांट्स है उसके जो जड़े हैं बहुत नीचे तक जाए रहते हैं ताकि जो वाटर के जो सोर्सेज है वहां तक वो पहुंच सके। देन नेक्स्ट आता है, कैमल्स विच लिव्स इन द डेजर्ट हैबिटेट कैन ड्रिंक मोर देन 100 liters ऑफ वाटर, दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द बॉडी, कैमल्स आपने देखा होगा तो वो एक साथ जो है 100 liters पानी पी सकता है, जो बाद में जो है वो स्टोर रहता है, जब उसको पानी नहीं मिलता तो उसी वाटर को वो यूज करता है। देन सम टोड्स सील देमसेल्फ इन ब्रोज एंड स्लीप अंटिल हैवी रेन अकर्स, मतलब जो कुछ जो ऐसे जो एनिमल्स हैं जो अपने आप को कहाँ पर छुपा लेते हैं, अपने बिल में छुपा लेते हैं, और जब तक बारिश नहीं होता तब तक वो निकलते नहीं है। सो ये आपके जो किससे रिलेटेड था, डेजर्ट एनिमल से। अब जो माउंटेन रीजन पर रहने वाले जो एनिमल्स यहाँ पे प्लांट्स हैं, सो वेयर द हैबिट्स आर कोल्ड एंड विंडी, जो आपके जो माउंटेन रीजन के बारे में बताया गया, एंड इन द टुंड्रा रीजन वेयर इट इज कोल्ड एंड ड्राई वी सी आर डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन टू विदस्टैंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस, अब यहाँ पर माउंटेन रीजन पर जहां पर टुंड्रा वाले जो बहुत ठंडा वाला जो रीजन है वहां पर एग्जाम्पल बताया गया है, सो द याक एंड द माउंटेन गॉट हैव थिक लॉन्ग हेयर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, मतलब जो याक होते हैं उसमें क्या होता है थिक लॉन्ग हेयर्स होते हैं जो उसको ठंड से प्रोटेक्ट करता है। देन पोलार बियर्स हैव थिक फर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर एक्सट्रीम कोल्ड, पोलार जो डियर है उसमें भी बहुत घने उसमें बाल होते हैं तो वो भी ठंड से उनको प्रोटेक्ट करता है। देन द आर्कटिक फॉक्स हैज अ व्हाइट कोट इन विंटर एंड अ ब्राउन कोट इन द समर टू एक्ट एज अ कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर क्या होता है भाई कि जो विंटर में उसमें व्हाइट आपके जो व्हाइट कोट होते हैं और ब्राउन कोट आपके समर सीजन में आते हैं। सो देन आपका जो नेक्स्ट आता है, बर्ड्स एज अ स्वैलोज माइग्रेट टू वार्मर प्लेस, एक जो बर्ड है वो जो है ठंड के समय वो अपनी जगह को ठंड वाले जो स्थान को छोड़कर गर्म वाले स्थान पर माइग्रेट हो जाता है, वहां पर चला जाता है, फिर वहां पर जो समय जो चेंज होता है फिर यहाँ पर वार्म आ जाता है तो फिर वापिस आ जाता है। तो ये आपके जो फर्स्ट के जो आंसर हुए बेटा। नेक्स्ट बेटा सेकंड जो क्वेश्चन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी
कंज्यूमर, इनमें आपको अंतर बताने हैं। तो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड्स एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस कारण से उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड्स सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। यहाँ पर जो डिफरेंट जो अदर जो एनिमल्स है वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, सो उसे हम कंज्यूमर के रूप में जानते हैं। देन एनिमल्स सच एज काउ एंड गॉट ईट प्लांट्स एज देयर फूड एंड आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। जो एनिमल्स है जैसे गॉट काउ है तो वो जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं सो उसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहें। देन एनिमल्स सच एज लायन एंड वोल्फ ईट अदर एनिमल्स सच एज अ काउ एंड गॉड। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले जो एनिमल्स है जिसे हम लायन या फिर वोल्फ के रूप में जानते हैं उसके एग्जाम्पल है, सो एज फूड एंड आर दस कॉल्ड अ सेकेंडरी कंज्यूमर। इस कारण से हम जो है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। प्रोड्यूसर आपके प्लांट्स हो गए बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर आपके कौन हो गए, जो प्लांट्स को जो खाते हैं जैसे काउ गॉट हो गया, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाने वाले हैं उसे हम सेकेंडरी जो कंज्यूमर है उस रूप में जानते हैं, जैसे लायन और आपके वोल्फ या फिर और अदर जो खाने वाले जो एनिमल्स हैं वो। तो आपके सेकंड के आंसर। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, हाउ आर डिकम्पोजर यूजफुल टू अस, डिकम्पोजर हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। सो हमें पता है कि व्हेन प्लांट्स आर एनिमल डाई, जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं तो पार्ट ऑफ देयर बॉडी इज ईटन बाय स्क्वेंजर्स लाइक वल्चर्स क्रोज एंड सो ऑन। अब यहाँ पर कोई भी जो एनिमल्स है उसका डेथ हो गया तो जो उनके बॉडी का जो कुछ जो पार्ट्स है उसको जो डिफरेंट जो कौवे हैं, आपके जो गिद्ध है या फिर अदर जो एनिमल्स हैं वो खा जाते हैं। सो द अनईटन पार्ट्स आर एक्टेड अपॉन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया नाउ एज अ डिकम्पोजर। अब जो जो अदर जो एनिमल्स है उनके खाने के बाद जो और जो वेस्ट जो बच गया उसको जो बैक्टीरिया या फिर फंगी है वो डिकम्पोज कर देते हैं, उसको सड़ा गड़ा देते हैं, सो उसे कहा जाता है डिकम्पोजर। देन द डिकम्पोजर ब्रेक डाउन आर डिकम्पोज द डेड मटेरियल्स इनटू न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प टू रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। अब वो जो है उसको डिकम्पोज करके उनको जो न्यूट्रिशंस को वापस सॉइल में भेज देता है। देन दिस न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व बाय प्लांट्स अगेन टू मेक फूड्स। So, फिर बाद में प्लांट्स उसको ऑब्जर्व करता है और उससे जो है वो अपना फूड्स बनाता है, कौन प्लांट्स। देन फोर्थ, व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स क्या है, जो पानी में जो जल रहने वाले जो एनिमल्स है। देन हाउ इज फिश एडॉप्टेड टू लिव इन अ वाटर, फिश जो है अपने आपको कैसे अडॉप्ट करता है वाटर में रहने के लिए। तो आंसर आपका, एनिमल्स दैट लिव इन अ वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो एनिमल्स वाटर में जो रहते हैं उसे हम एक्वेटिक एनिमल्स के रूप में जानते हैं। जो फिश है स्पेशल ऑर्गन्स कॉज गिल्स टू ब्रेथ इन वाटर, उनके पास गिल्स होता है जहां से वो जो है वाटर से जो ऑक्सीजन को वो ले लेता है। देन स्ट्रीमलाइन बॉडीज विथ स्केल्स दैट मेक इट इजर फॉर देम टू मूव इन वाटर, उसके पास स्ट्रीमलाइन बॉडीज होते हैं सो वो उसको वाटर में मूव करने के लिए हेल्प करता है। देन फिन्स एंड टेल टू हेल्प देम टू स्विम, जो उसके जो छोटे छोटे जो वो पंख तरीके से होते हैं वो उसको हेल्प करता है, टेल उसके जो पूंछ है वो उसको हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, स्विम करने के लिए। देन एयर ब्लैडर्स टू हेल्प देम टू स्टे अफ्लोट, एयर जो ब्लैडर्स है वो उसको अफ्लोट होने ऊपर आपके तो तैरने में मदद भी करता है। सो ये आपके फोर्थ के आंसर। देन हाउ इज अ कैमल एडॉप्टेड टू लिव इन इट्स हैबिटेट्स, कैमल जो है जहां पर रहते हैं तो वो अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं, है ना। सो इसमें आपका आंसर आ जाएगा, अ कैमल इज अडॉप्टेड टू लिव इन हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। कैनिमल कैमल से वो कैसे अडॉप्ट करता है, सो इट कैन ड्रिंक मोर देन 100 लीटर्स ऑफ वाटर, ये क्या करता है भाई, एक 100 लीटर से 100 जो लीटर है वाटर उसको पी जाता है। देन वो वाटर जो है वो स्टोर होता है, दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द बॉडी, उसके जो बॉडी है उसके ऊपर में जो कुबड़ होता है वहां पर स्टोर होता है। दस इट कैन गो विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज, इसके कारण से कई दिनों तक वो जो बिना पानी के रह सकता है। देन इट कैन स्टोर फैट इन द हैम, वो अपना जो फैट है उसको भी स्टोर कर लेता है। विच सर्व एज अ फूड स्टोर, ये जो है फूड स्टोर जैसे वाटर स्टोर था उसी तरीके से फूड स्टोर भी है। सो हेंस इट कैन गो विदाउट फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस कारण से वो बिना फूड के भी बहुत समय तक रह सकता है। देन इट कैन मेंटेन हाई बॉडी टेम्परेचर सो इट डज नॉट स्वेट, ये जो हाई बॉडी टेम्परेचर भी बना के रखता है ताकि उसके जो बॉडी से पसीना ना निकले। देन इट्स फीट हैव लेदरी सोल्स फॉर वॉकिंग इन द सॉफ्ट सैंड, तो सैंड में चलने के लिए भी इसका जो आपने पैर देखा होगा बहुत चौड़े होते हैं और जो गद्देदार होते हैं तो उसके कारण से रेत में धंसते नहीं है।
एज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम सैंड स्टॉर्म इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स एंड हैज थिक लॉन्ग आई लेंसेज टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम सैंड। अपने नाक को भी प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने आंख को भी प्रोटेक्ट करने के लिए जब सैंड स्टॉर्म आता है, जब रेतीली जो आंधियां चलती है, सो इसके पास वो भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स है बेटा, आपको शॉर्ट में करने हैं तो कुछ पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हैं, मेरे द्वारा कंप्लीट आपको डिटेल में बता दिया गया है। देन नेक्स्ट आता है बेटा, डिस्क्राइब द एडॉप्टेशन सीन इन एनिमल्स दैट लिव ऑन माउंटेन। माउंटेन में जो रहने वाले जो एनिमल है उसमें एडॉप्टेशन कैसे होता है? सो आंसर है एनिमल्स लिविंग ऑन माउंटेन, जो एनिमल्स माउंटेन में रहते हैं उसमें क्या होता है, हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज लाइक स्नो लेपर्ड्स और लॉन्ग हेयर लाइक याक टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। स्नो लेपर्ड्स या फिर उसमें जो है क्या होता है, याक में जैसे लंबे बाल होते हैं तो वो उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। सेकंड आता है हैव स्ट्रॉन्ग हॉव्स टू वॉक ऑन द रॉकी स्लोप्स। मस्क जो डियर है उसके जो नुकीले जो उसके जो पैर के जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो जो है रॉकी जो स्लोप्स है जो वहां पर भी वो चल पाते हैं। देन आर एडाप्टेड टू ब्रीड एंड राइज देयर यंग वंस क्विकली टू इन द समर। उनके पास जो है अपने जो बच्चे जो है जल्दी वो दे देते हैं ताकि, और बच्चे जो है जल्दी ग्रोथ भी कर लेते हैं ताकि वो जो समर है उसका यूज किया जा सके। देन माइग्रेट जो स्वेलोज है वो क्या करता है, या फिर हाइबरनेट मीन्स डोर माइक वो क्या करता है, इस्केप हो जाता है। कुछ जो है उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और कुछ जो है इस्केप हो जाते हैं, कुछ जो है वहां पर छुप जाते हैं ताकि भैया हम जो है सुरक्षित रह सके। वो जो है सुरक्षण से बचने के लिए कई समय तक वो छुपे रहते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर डिटेल का 7 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का फीचर्स क्या है, डिस्क्राइब द एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट्स इन दिस हैबिटेट्स। अब यहाँ पर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का फीचर्स आपको बताने हैं, एडॉप्टेशन भी बताना है। सो फर्स्ट हम फीचर्स देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट आता है द वेजिटेशन इज डेंस बिकॉज ऑफ द वार्म क्लाइमेट एंड हैवी रेनफॉल्स। यहाँ पर वेजिटेशन है बहुत ज्यादा होता है क्योंकि भाई यहाँ पर जो वार्म क्लाइमेट होता है और जो है रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है। टॉल ट्रीज विथ हैवी फॉइलेज अलाउ वेरी लिटिल लाइट टू रीच द लोअर लेवल। बड़े बड़े ऊंचे जो ट्रीज होते हैं भाई तो वहां पर से जो है सनलाइट से वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। सो यहाँ पर द लीव्स ऑन द ट्रीज हैव अ स्पेशल अरेंजमेंट दैट अलाउज वाटर टू ड्रिप इजली सो दैट इट डज नॉट कलेक्ट ऑन द लीव्स। ट्रीज में जो है क्या होता है, एक ऐसा जो स्पेशल जो स्ट्रक्चर बना होता है, अरेंजमेंट होता है कि पानी जो है नीचे सीधा गिर जाता है ना, वो जो है लीव्स है उसमें स्टोर नहीं हो पाता है। थर्ड फोर्थ, प्लांट्स ग्रो एट द लोअर लेवल डू नॉट गेट मच लाइट सो देयर लीव्स आर लार्ज टू हेल्प देम ऑब्जर्व एज मच सनलाइट एज अ प्लस पॉसिबल। जो नीचे में जो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो क्या होता है बेटा कि उनके जो लीफ है बहुत चौड़े होते हैं, सो उस कारण से उसमें वो जो है ज्यादा सनलाइट्स को ऑब्जर्व कर पाता है। सो ये तो हो गया बेटा आपका जो 7th का आंसर। नेक्स्ट आपको देखने को मिला 8 नंबर का, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अ काइंड्स ऑफ एडॉप्टेशन सीन इन एनिमल्स इन अ ग्रासलैंड। यहाँ पर आपके जो डिफरेंट टाइप के जो एडॉप्टेशन होते हैं एनिमल में, जो आपके जो ग्रासलैंड में पाए जाने वाले जो एनिमल्स है, तो ग्रासलैंड डू नॉट प्रोवाइड टू मेनी ऑप्शंस टू हाइड फ्रॉम अ प्रीडेटर्स बिकॉज ग्रासलैंड हैबिटेट्स हैव टॉल ग्रासेस विद अ फ्यू ट्रीज। यहाँ पर कि ग्रासलैंड में क्या होता है कि जनरली वहां पर छुपने के लिए जगह नहीं होती तो शिकारी को बचने के जो चांसेस है वो कम होते हैं। सो एनिमल्स लाइक डियर एंड एंटीलोप्स हैव द एबिलिटी टू रन फास्ट टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स। मतलब जो शिकारी है उससे बचने के लिए वो जो है बहुत तेज गति से दौड़ पाते हैं ना, सो वो बच पाते हैं। देयर आईज आर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड्स इनेबलिंग देम लुक ऑल अराउंड फॉर द प्रीडेटर्स। मतलब वो जो है सभी तरफ से देख सकते हैं, उसके लिए उनके जो पीछे है उसके सामने नहीं होता, आइट साइड में होता है। देन देयर यहाँ पर आता है नेक्स्ट, दे हैव स्ट्रॉन्ग टीथ टू चेप प्लांट्स एंड लॉन्ग ईयर टू हियर द मूवमेंट्स ऑफ प्रीडेटर्स। उनके जो तीत है वो भी क्या होते हैं, नुकेले होते हैं, स्ट्रांग होते हैं ताकि वो वहां पर प्लांट्स है उसको चबा सके, काट सके, और उनका जो हेयर है कान है वो भी बहुत तेज होता है ताकि जो भाई शिकारी है उसका जो लायन वगैरह है उसका जो मूवमेंट्स है उसको वो सुन सके। नेक्स्ट बेटा इसमें हम एनिमल्स की बात करते हैं। सो ये हमने देखा भाई शिकारी के बारे में, अब शिकार से रिलेटेड जो है हम देखते हैं इसमें। सो एनिमल्स लाइक लायन हैव एडॉप्टेशन टू हेल्प देम हंट बेटर। जो एनिमल्स है लायन है उसमें जो एडॉप्टेशन है उसमें वो जो है हंट बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देन दे आर लाइट ब्राउन इन कलर एंड हैंस कैन कॉम्प्लेक् इन द ड्राई ग्रासेस। उसको छुपने में मदद करता है भाई उसके जो लाइट ब्राउन जो कलर्स होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग क्लॉज कैन बी विड्रॉन इन साइड देयर टॉयज हेल्प देम स्टॉक देयर प्रीज विदाउट मेकिंग अ साउंड।
हाँ उसके जो पंजे है ऐसे होते हैं कि भाई वो जो है बहुत ही चुपके से वो जो है अपने शिकार के पास तक चला जाता है, उसमें कोई आवाज ज्यादातर नहीं आता है। देयर आई आर इन फ्रंट ऑफ देयर फेस हेल्पिंग देम टू करेक्टली जज द लोकेशन ऑफ द प्रे। उनके जो आईज है उसके फेस के सामने होते हैं ताकि अपने जो शिकारी है उसको वो बेहतर तरीके से पकड़ सके, उसको उसके पहचान सके कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स है बेटा, आप इस अगर स्केप करना चाहें, लॉन्ग लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट्स आप जो है स्किप कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ जो है यहाँ पर जो ये जो पॉइंट्स है आपका यहाँ से यहाँ तक भी आप स्किप कर सकते हैं ताकि आपका आंसर थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है। फिर बोलोगे सर आपने तो बहुत लॉन्ग आंसर दे दिया है ना। नेक्स्ट आता है बेटा आपका इसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। आपके हॉर्स वाले जो क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको बताते बताते थक गया, आप नोट करते करते थक जाओगे। नेक्स्ट आता है आपको फर्स्ट अशोक पिक सम सी वीड फ्रॉम द बीच एंड ट्राइज टू ग्रो इट एट होम, विल ही नीड टू ग्रो एनी स्पेशल फूड और स्पेशल कंडीशन फॉर सी वीड्स। सी वीड्स लेके आया है भाई कोई जो कहाँ से बीच में गया था तो समुद्री जो पौधा ला लिया, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा अपने घर में उगाने के लिए। तो अशोक से इससे रिलेटेड है कि भाई मिमिक जो कंडीशन है मतलब जो वासी से रिलेटेड कुछ जो कंडीशंस है उसको अपने घर में उनको देना पड़ेगा, उसी तरीके से उनको वाटर देना पड़ेगा जो जहां पर न्यूट्रिशंस है सी वाटर में जो होता है उस तरीके से। देन इन कंडीशन दिस सी बीड्स वुड नीड ब्राइट सनलाइट, उसको ब्राइट सनलाइट भी चाहिए और सॉलिड बेस भी चाहिए ताकि वो वहां पर ग्रो कर सके। सो ये आपके फर्स्ट शॉर्ट के आंसर हुए। देन सेकंड जो क्वेश्चन इसमें आता है बेटा काविया प्लांट्स ग्रो अ कैक्टस प्लांट्स, अपने जो घर में जो कैक्टस जो प्लांट्स है वो प्लॉट पर जो ग्रो करना चाहते हैं काव्या। अब वहां पर आता है कि प्लांट्स में जो फ्लैसी जो स्टेम्स है या फिर जो बिग जो लीव्स है वो डेवलप होगा, तो यहाँ पर भाई और इसमें भी क्या होगा था बेसिक जो नेचर है कैक्टस प्लांट का वो चेंज नहीं होगा, वो भी वहां पर जो है अगर वो इनसाइड में किया है तो वहां पर भी जो फ्लैसी जो स्टेम्स है और स्पाइनी जो लीव्स है वही ग्रो होंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट डू नॉट चेंज सडनली, प्लांट्स जो है कैक्टस जो प्लांट्स है उसका जो सडनली चेंज नहीं होगा भले वो जो डिफरेंट कंडीशंस में उसको हम उगा रहे हैं। सो जहां पर द कंडीशंस वुड मिमिक देयर नेचुरल हैबिट्स फॉर देयर सर्वाइवल, फिर बाद में हमें उसको जीवित रखने के लिए भाई उसके जो जहां पर जिस कंडीशन में वो ग्रो करता है उस टाइप का जो कंडीशन उसको हमको देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया बेटा आपका जो कंप्लीट जो सोल्यूशन है ये जो चैप्टर का, बहुत लॉन्ग था मैं तो थक गया, मैंने जैसे ही कहा आप भी शायद नोट करते करते थक जाओगे। फिर भी बेटा मेरे द्वारा कंप्लीट जो सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए बेटा है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई डाउट्स है कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए।